वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क के बारे में, कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको दूध कैसे लेना चाहिए, किस किस टाइम पर लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, तो जो दूध लेने का सही तरीका होता है आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जब मैं बात कर रही हूँ दूध के बारे में, तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो दूध होता है वो माँ में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है, वहीं पर वो बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो स्कैल्प होती है पूरी तरह से ग्रोथ में ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए दूध लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको दूध पसंद नहीं होता है, अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो इस कंडीशन में क्या करें? या कई महिलाओं की बॉडी को ही दूध सूट नहीं करता है, अगर वो दूध ले देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ये लूज मोशन होने लगता है, तो ये सारी कंडीशन कई लोगों को आ जाती है। और फिर या फिर कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उनको दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, वो अगर दूध पीना भी चाहते हैं तो उनको वॉमिट जैसी फील होती है। तो ये सारी जब सिचुएशन आती है, अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह पे क्या अल्टरनेट ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ, लाइक करना भी न भूलिएगा, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके ये इन्फॉर्मेशन। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को दूध अच्छा नहीं लगता है वो क्या करें, तो अगर आप बिल्कुल भी दूध आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि फर्स्ट तिमाही जो होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है। मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह जब उठेंगे तो आपका डिजनेस जैसी भी फील होगी या वॉमिटिंग जैसी फील होती रहती है, तो उस कंडीशन में दूध की स्मेल और भी बेकार लगती है, जिससे कि अब वो क्या करें। तो अगर आपको दूध बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप दही ले सकते हैं उसकी जगह पे, बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंजीर, टोफू, ये सारी चीज़ें, इनमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी। बट अगर आप दूध ले सकते हैं, आप अफोर्ड करते हैं, या फिर आपको आपकी बॉडी को सूट करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप ये कोशिश करिए कि फर्स्ट मंथ से लगा करके 9 मंथ तक कंटिन्यू आप दूध लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि दूध लेने का जो सही तरीका होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस की वजह से कम अच्छा लग रहा है, तो आप आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग फ्लेवर के भी रहते हैं। तो आप एक ग्लास दूध में मॉर्निंग में आप इलायची फ्लेवर का भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर आता है, वनीला फ्लेवर का भी प्रोटीन पाउडर आता है, तो उसको मिक्स करके आप ले सकते हैं, और एक ग्लास सुबह एक ग्लास शाम को आपको लेना है। तो अगर आपने सुबह प्रोटीन पाउडर ऐड करके लिया है, तो शाम को आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। एक ग्लास दूध में थोड़ी सी अगर हल्दी मिक्स करके आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, और बच्चे की भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बहुत ही जब मॉर्निंग क्या बोलते मौसम जब चेंज होते हैं, तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत ही सर्दी, जुखाम, खांसी होने लगता है, तो इस सारी एलर्जी से भी आप बचे रहेंगे, और जब बच्चा होगा तो उस वो भी अंदर से स्ट्रांग रहेगा। तो आप मॉर्निंग में एक ग्लास प्रोटीन पाउडर मिक्स करके लीजिए, शाम को एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके ले सकते हैं, तो ये सुबह शाम कम से कम 2 ग्लास तो एटलीस्ट आपको दूध पीना ही रहता है, जिससे कि आफ्टर डिलीवरी भी आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और आपका बेबी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, उसकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी। अब कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, कुछ जो बड़ी दादी लोग होती हैं वो ये बोलती हैं कि लास्ट के मंथ में दूध नहीं लेना चाहिए, या फिर कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, या कैल्शियम की जो टैबलेट आप लेते हैं वो बंद कर देनी चाहिए, तो क्या ये सच है या नहीं, आज हम ये जानेंगे। फ्रेंड, जो मैंने बताया कि लास्ट मंथ में कैल्शियम लेना सही होता है या नहीं, तो आप पूरी तरह से ले सकती हैं। जो लोग बताते हैं कि नहीं लेना चाहिए, वो रीज़न ये होता है कि उनका कहना रहता है कि हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, जो बच्चा है, होने वाला आपका बेबी है, उसकी स्कैल्प काफ़ी मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, वो तो बाद की बात होती है, बट बच्चे के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, पूरी ग्रोथ के लिए, हड्डियों के लिए, और माँ के लिए भी, इसलिए आप कैल्शियम लेना बिल्कुल भी बंद ना करें, और दूध भी आप कंटिन्यू लेते रहें।
तो ये थी जानकारी दूध के लेने के सही तरीके के बारे में। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।